हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीदी कैसे करूँ मैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो आपके काम को आसान बना देंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस तरह से पहला मेरा टिप्स है, इस तरह से बॉटल को लेकर, जो कांच की बॉटल होती है ना, जैम की बॉटल होती है, ये अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी जंग लग जाता है या कभी ये खुलती नहीं, बहुत टाइट हो जाती है। तो आप उस केस में ना इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई भी बैलून लेना है उसके कैप के ऊपर लगा दीजिए, बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी, बहुत अच्छे से बॉटल खुल जाएगी। उम्मीद करती हूँ टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली टिप्स है मेरा इस तरह से जीन्स को लेकर। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है, जीन्स तो हम सब वेयर करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम कभी आ जाती है कि अनकेस कैसा होता है ना, कि कभी कभी जींस बहुत ढीली हो जाती है और हमें टाइम नहीं होता है कि हम उसे तुरंत टाइट करें या उसको किसी तरीके से मैनेज करें। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का टिप्स बताऊंगी। आपको इस तरीके से ना, जो साइड वाले बेल्ट लगाने के लिए जो जगह दी होती है ना, उसमें आप इस बटन को लगा कर इस तरीके से आप बटन लगा दीजिए। मतलब कुछ देर के लिए आपका बहुत अच्छा काम करेगा इमरजेंसी में, बाद में अपनी जींस को आप सही करा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स अगला टिप्स मैं इस तरह से कैप को लेकर, ये जो पानी की बॉटल आती है उसका मैंने कैप ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है एक छोटा सा कॉटन, ठीक है, उसमें मैं डालूंगी इस तरीके से नील नील, आप कोई सा भी ले सकते हैं इस तरीके से, और उस पर डाल देना है कॉटन को ऊपर। देखिए तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया एक सोल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे वो आप देख लीजिए। अक्सर क्या होता है कि कभी हमें अंगूठा लगाना होता है या कहीं भी, तो उस केस में हमारे पास इंक नहीं होता है, तो ये हमारा रेडीमेड होममेड इंक जो है वो बन गया है। इसे आप इमरजेंसी में बना के अपने काम को निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि हर जगह शाइन है, कहीं कहीं हमें अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स अगला टिप से मेरा इस तरह से, जो हमारे चश्मे होते हैं उसके डब्बे को लेकर। इसका डब्बा अक्सर क्या होता है, खाली होता है तो हम इसे फेंक देते हैं या इधर उधर पड़ा रहता है, लेकिन आज मैं इसका कुछ अलग हट के इस्तेमाल बताने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह से धागे वगैरह होते हैं, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें ज़रूरत होती है तो हमें इसको रखना होता है। तो इस तरीके से आप चश्मे के डब्बे में ना अपना जो भी धागा है और या सुई है, छोटी वाली सीजर, इसको आप उसमें रख सकते हैं। और भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप अपने मेकअप से जुड़ी चीज़ों को भी रख सकते हैं, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपने बैग में इसको रख सकते हैं, छोटे से छोटे पर्स में भी आसानी से आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। अगला टिप्स मेरा इस तरह से बॉटल को लेकर। बॉटल का मैंने देखिए यहाँ पर दो कैप ले लिया, ठीक है, और हमें लेना है डबल साइडेड टेप, उसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। और इस तरीके से जब भी कोई भी आपके पास ना कूड़ा फेंकने का जो भी आपके पास बॉकेट हो, इस तरीके से आपको उसमें इस तरीके से दोनों तरफ लगा देना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए वो बताते हैं। आपको लेना है पोलथीन, पोलथीन को दो पोलथीन आप ले लीजिए और दोनों पोलथीन आप एक ही में रख लीजिए। अक्सर क्या होता है कि गीला कूड़ा हो या सूखा कूड़ा हो, हमें अलग अलग पोलथीन में रखना होता है, तो इस तरीके से आप एक ही बॉकेट में दोनों चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो इसे ट्राई जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स अक्सर आप क्या होता है कि जब भी आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, बाहर जाने की सोच रहे हैं, और हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ एसेंशियल ऐसे होते हैं जिसे हम अपने साथ लेके कैरी करते हैं। फेस वॉश हुआ, मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट हुआ, ये वो लिक्विड होता है तो हमें दिक्कत होती है, ये इसमें से निकल के गिरने का भी डर रहता है। तो उस केस में आप एक छोटी सी ट्रिक आजमा सकते हैं। इस तरीके से आपको लेना है बैलून, बैलून का जो ऊपरी हिस्सा है ना, हमें उसको इस तरीके से आपको कट कर देना है, ठीक है। आप बैलून, इससे क्या होगा ना, बस इस फेस वॉश को ही नहीं, इससे क्रीम वगैरह जो भी आपका डर हो कि वो लीक हो सकता है बैग में, तो आप वहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। मैं पर्सनली इसे खुद ट्राई करती हूँ, मतलब कि यूज करती हूँ। देखिए इस तरीके से आप लगा देंगे ना तो बिंदास होकर आप कहीं भी इसे कपड़ों के साथ में रखिए, बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से सेफ हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। क्या आपने कभी मोबाइल पर नेल पेंट का इस्तेमाल किया है चौक के? देखिए इस तरीके से अक्सर मोबाइल हमारे घर में आता है तो उसके साथ बहुत ही अच्छा सा कार्टून हमारे साथ में आता है, जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं उसका बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। आपको लेना है कोई अलग सा इस तरीके से कार्डबोर्ड, और उसके बाद हमें इसको उसके नाप का काट लेना है, उसके आप
उसके बाद ना इसको इस तरीके से सीढ़ी की तरह बना लेना है और इसमें एडजस्ट कर दीजिए। अब इसके इस्तेमाल देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप ड्रेसिंग एरिया पर रखें अपने नेलपेट को या लिपस्टिक को रखने के लिए, देखने में बहुत ही सुंदर रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी तो एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से दाल को लेकर, दाल हो या कोई भी चीज़ें हो, बरसात के मौसम में ये क्या होता है उसमें सीलन आ जाती है, उसमें फफूंदी या कीड़े मकौड़े भी लग जाते हैं, घुन लग जाता है। तो उस केस में इसको कैसे हम बचाएं, क्योंकि दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है इस तरीके से बरसात के मौसम में, या पिल्लू भी पड़ जाते हैं। तो इसको सेफ रखने के लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा आप लेना है आधा चम्मच नमक और इस तरीके से उसमें डाल के उसको अच्छे से मिला दीजिए। इस तरीके से आप करके रखेंगे ना जो आपका दाल है ना बहुत अच्छे से सेफ रहेगा, उसमें पिल्लू नहीं पड़ेंगे। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास टी शर्ट होता है ना, तो जिसे हम धुलते हैं तो ब्रश तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे टी शर्ट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उस केस में आप इस तरीके से ब्रश में मोजा को पहना दीजिए, अपने टी शर्ट को साफ़ करिए। बहुत ही अच्छे से साफ़ करने में बिल्कुल भी आपका टी शर्ट ख़राब नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो इस तरीके से जो डोरमेट होता है हमारा ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसको हम डायरेक्ट पानी में धुल नहीं सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, उसमें के जो रेसे वो तो निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से ना ब्रश को मोजे में पहना कर इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोजा को गीला करें इस तरीके से पोंछ दीजिए, बिल्कुल ही अच्छे से आपका डोरमेट जो है ना वो चमक जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने बाथरूम की टाइल्स वगैरह को भी साफ़ कर सकते हैं, किचन की टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है क्योंकि ये ब्रश से डायरेक्ट अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। और इससे आप करके देखिएगा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा इस तरह से चाकू को लेकर, चाकू का हम सब यूज करते हैं अपने किचन में, लेकिन क्या होता है लंबे टाइम तक यूज करने के बाद जो उसकी धार होती है ना वो क्या होती है, उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, तो हमें उसको बाहर भेजना पड़ता है साफ़ कराने के लिए। उसमें पैसे भी लगते हैं, आपका समय भी लगता है। तो इस तरीके से आपको लेना है एक दिया, कोई भी पुराना हो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको लेना है पानी और इस तरीके से आपको क्या करना है, जो हमारा नाइफ है ना उसके ऊपर इस पानी को लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, और दिए को भी उसमें डुबो दीजिए अच्छे से, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद क्या करना है ना, इस दिए को इस पर रब करिए, मतलब कुछ देर के लिए करिए, 25 से 50 बार करिए। उसके बाद इसका देखेंगे चमत्कार, बहुत ही अच्छे से आपका जो चाकू है ना बहुत अच्छे से वो उसकी धार बन जाएगी, शार्पनेस उसकी तेज हो जाएगी। इस तरीके से दोनों तरफ आप कर दीजिए, रगड़ दीजिए। अगर दिया नहीं है, कोई छोटा सा पत्थर हो ना तो आप उससे भी रगड़ सकते हैं, या सिलबट्टा अगर आपके घर में हो तो उस पर भी रगड़ सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के बहुत ही अच्छे से इसकी शार्पनेस जो है वो तेज़ हो जाएगी और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे भी बचेंगे। तो इस तरीके से आप चाकू को बहुत तेज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को टिप्स अच्छी लगी हो। बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फिर इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ होती हैं जिसे ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही दिक्कत होता है, और इस चूड़ियों को हम फेंक भी नहीं सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन फेंकना भी नहीं चाहिए, इसको रखना चाहिए। लेकिन आप यहाँ मैं आपको छोटा सा तरीका बताऊँगी इसको ऑर्गेनाइज करके रखने का, बहुत कम स्पेस लेगा। कोई भी आपका सूज का डब्बा होना इस तरीके से, तो उसमें चूड़ियों को कुछ इस तरीके से आप ना फोल्ड करके और रखेंगे ना तो चूड़ियाँ बहुत अच्छे से सेफ रहेंगी। पुरानी हो या नहीं हो, कैसे भी हो, आप इस तरीके से रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स अच्छी लगी हो, तो इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से जींस को लेकर। जींस तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन एक दिक्कत आती है ना कि जब फोल्ड करने की बारी आती है हमारी वार्डरोब में अगर जगह की कमी हो, तो इस तरीके से आप जींस को रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज रहता है और खुलता भी नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से उसको सेफ तरीके से रख सकते हैं। फोल्ड करने का तरीका भी बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से ये रहता है, और इसकी जो क्रीच है ना वो भी ख़राब नहीं होती। आयरन करके आप इस तरीके से रखेंगे ना तो भी देखने में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, आपके अलमीरा में स्पेस भी बच जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स अगला टिप्स है मेरा इस तरह से चूड़ियों को लेकर। मेटल की चूड़ियाँ आजकल ट्रेंड में है, हम बहुत पहन रहे हैं, वेलवेट की हो या इस तरीके की हो चूड़ियाँ, तो हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत तब आती है ना जब क्या होता है, कभी गलती से ना चूड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जैसे मेरी एक चूड़ी टेढ़ी हो गई है, तो ऐसे हो गई थी, और मैंने इस टिप्स को ट्राई किया, सोचा आप लोग के साथ भी तो होता होगा कभी ना कभी, तो इसको आपके साथ शेयर करती हूँ इस ट्रिक को। तो इस तरीके से जो भी आपकी चूड़ी टेढ़ी हो गई ना, तो आप कोई सा भी ग्लास लीजिए जो अच्छे से उसमें चूड़ियाँ आ जाए, और कुछ इस तरीके से उसमें डाल के इसको गोल गोल घुमाइए। अब देखिएगा कुछ ही देर में आपकी चूड़ियाँ ना बहुत ही अच्छे से गोल हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि ये टेढ़ी भी हुई थी। इसको उलट के पलट के दोनों तरफ से सीधा कर लीजिएगा,
तो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। देखिए तो बहुत आसानी से आप चूड़ियों को ना टेढ़ी मेढ़ी चूड़ियों को सीधा कर सकते हैं, है ना कमाल के टिप्स। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा चूड़ियों को ही लेके है। अगर हम डब्बे में इस तरीके से चूड़ियाँ रखते हैं ना, तो उसे हम क्या करते हैं कि रबड़ लगा के रखते हैं। इसकी बहुत सारी टिप्स मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड की हुई है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपके काम आएगा। तो इस तरीके से रबड़ अगर हमारे पास नहीं है और बैलून है ना, तब बैलून से ही होममेड रबड़ बना सकते हैं। और इस तरीके से चूड़ियों को डब्बे पे लगाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस तरीके से आप कई सारा ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से आप काट लीजिए और इसका बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से काट लीजिए। अब देखिए यहाँ मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, इसे आप किचन में भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा इस तरह से साड़ियों को लेकर है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास तो सिल्क की साड़ियाँ ज़रूर से होती हैं जिसे हम पहनते हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती है, लेकिन ये सब ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिसे हम घर पे नहीं वॉश कर सकते, इसको ड्राई क्लीन के लिए देना होता है। और एक बार पहन कर तो तुरंत कोई ड्राई क्लीन के लिए देता भी नहीं है। तो उस केस में आप क्या करिए, इसमें से स्मेल ना आए, ये साड़ियाँ में फफूंदी ना पड़े, ख़राब ना हो, स्मेल ना करे गंदी सी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको धूप दिखा जाए। धूप दिखाएंगे तो इसका कलर जो है वो जाने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप टी शर्ट पहना के उसके बाद हैंगर में लगा के साड़ियों को धूप में दिखा दीजिए, स्मेल नहीं आएगी, साड़ी भी सेफ रहेगी, धोना भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा इस तरह से सब्जी को लेकर। इस तरीके से जो लतरा होता है, बोरू होता है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसे, तो खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सबसे दिक्कत तब आती है जब इसको काटने की बारी आती है। एक एक करके काटना बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, छोटी सी टिप्स बताऊंगी लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरीके से आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए और साफ सुथरा कोई क्लचर ले लीजिए। इस तरीके से आप क्या करिए, उस क्लचर में लगा दीजिए और फटाफट अपनी सब्जियों को काट लीजिए। और इस तरीके से जो सब्जी ख़राब भी है ना, वो भी आपको अच्छे से दिख भी जाएगा, तो उसको आप अच्छे से निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साथ सब्जियों को आप फटाफट काट लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा इस तरह से सॉक्स को लेकर। पुराने सॉक्स तो हम सभी के पास होते हैं जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। सॉक्स का बहुत सारा यूज मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है वीडियो, आप जाके जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैंने बताई हैं। तो यहाँ मैं आपको एक अलग तरीके का टिप्स बताने वाली हूँ। इस तरीके से अगर आपके पास सॉक्स है ना, तो क्या होता है कि आप इसको तब वेयर करिए जब ना इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं, हमारे पास स्पेस कम होता है और हमारे पास मेकअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है इस तरीके की, ठीक है, और इसे हम जरूर ले जाते हैं बाहर में। इस तरीके से आपके पास जितनी हो ना, तो अगर आप डब्बा नहीं यूज करना चाहते हैं और कम स्पेस में अपनी सारी चीज़ों को रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस तरीके से ना सॉक्स में लीजिए और सारे अपने जितने भी जो भी हमारे मेकअप से जुड़े चीज़ें हैं, पेंसिल, आई लाइनर, लिपस्टिक, ब्रश, जो भी है, आप इस तरीके से सॉक्स में डाल सकते हैं और कम से कम स्पेस में आप इसे रखेंगे और ये फैलेगा भी नहीं। यूज करना भी इसको बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप निकालिए, इस्तेमाल करिए, फिर उसी में रख दीजिए। छोटे से छोटे पर्स पे भी, सूटकेस में भी, कहीं भी आप रखिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए यूजफुल ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।